हाई स्कूल और इंटर के लिए यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 का इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश के 58 लाख छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2023 को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। परिषद द्वारा शनिवार यानी कि 1 अप्रैल को जारी किया गया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा फल 5 अप्रैल को घोषित किए जाने की खबर फर्जी है और इसको सही ना समझा जाए। यूपी बोर्ड सचिव द्वारा इस प्रकार के फर्जी सूचना वायरल करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि यूपी बोर्ड परीक्षाफल 2023 को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फेक न्यूज को लेकर यूपीएमएसपी ने नोटिस जारी किया है। वहीं जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 58 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरे थे। इन परीक्षार्थियों के लिए परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसके बाद दोनों ही कक्षाओं के सभी विषयों के करीब 3.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 18 मार्च को शुरू हुआ और इसके लिए आखिरी तारीख यूपीएमएसपी द्वारा 1 अप्रैल निर्धारित थी। हालांकि बोर्ड द्वारा एक दिन पहले ही यानी कि 31 मार्च 2023 तक ही मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया। बता दें आपको कि आमतौर पर यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों की जांच की प्रक्रिया पूरा होने के बाद 3 सप्ताह में ही परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। हालांकि इस साल माना जा रहा है कि परिणामों के लिए अपडेट 15 अप्रैल 2023 के आसपास जारी किया जा सकता है। इस संबंध में यूपी बोर्ड इंटर रिजल्ट 2023 के परीक्षार्थियों को विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि कक्षा 12वीं के कई छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2023 को आयोजित की जानी है। इन परीक्षार्थियों के प्रैक्टिकल मार्क्स के अपलोड होने के बाद ही यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2023 की घोषणा करेगा। इस बीच छात्र छात्राओं को आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर समय समय पर विजिट करते रहना चाहिए।